सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे और फरियादियों की फरियाद को सुना। इस मौके पर बैंक कर्मी द्वारा मकान पर अवैध कब्जा करने का मामला भी सामने आया। इस मौके पर कुल 39 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से एक का निस्तारण कर दिया गया। शेष में संबंधित को जल्द निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बताते चले कि बांसी तहसील सभागार में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में हनुमान प्रसाद अग्रहरी पुत्र स्वर्गीय गबूलाल अग्रहरी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि शाखा प्रबंधक बांसी बड़ौदा यूपी बैंक 2012 से 2017 तक एग्रीमेंट का पूरा होने के बावजूद प्रार्थी के मकान पर अनावश्यक गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। मेरे मकान में बड़ौदा यूपी बैंक जो पिछले 5-10 सालों से कार्यरत है, 2012-17 के बीच एग्रीमेंट हुआ था, तब से 6 साल हो चुके हैं, मकान हमारा खाली नहीं किया जा रहा है। उसी के उपरांत पे हम आए थे आज तहसील दिवस में। इसके पहले भी आप कहीं एप्लीकेशन दिए थे? हाँ, इसके पहले डीएम साहब को दिए थे। डीएम साहब से एसडीएम साहब को होते हुए कोतवाली तक आया, तो वहाँ से दरोगा लोग गए थे, उन्होंने बस लिखित में कुछ नहीं मिला, खाली मौखिक आश्वासन दिया कि दो तीन महीने में खाली हो जाएंगे, मकान खाली कर देंगे। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन यही मिला है कि आज डीएम साहब ने आरएम से बात किया है, आरएम आज दिए है कि 1 जून तक खाली कर देंगे, जो जो हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अब हमारे यही आगे कार्यक्रम है कि सोमवार से अब धरने बैठेंगे, बस सीधी बात। सर, बांसी तहसील दिवस में आज आप आए, कितने मामले प्रस्तुत है, कितने का निस्तारण किया गया? तहसील दिवस अभी जारी है और हमें एक प्रशासनिक जो जज साहब होते हैं वो आ रहे हैं, तो उन्हें रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी जारी है तो, और वहाँ पर अधिकारी जो है बैठ के उसको ले रहे हैं। अभी हमारे जब तक थे तब तक लगभग 30 शिकायतें आई थी और उसमें से एक या दो का निस्तारण हुआ था। सर, आपके पास एक प्रकरण आया है, बड़ौदा यूपी बैंक के जो मकान मालिक है उनका कहना है कि मकान खाली नहीं, बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं, जबकि 6 साल पहले एग्रीमेंट खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है, उसके संबंध में हमने बड़ौदा यूपी बैंक के जो आरएम साहब है उनसे बात किया, उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम करवा देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।